दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारी आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस पा सकें। हमारे देश भारत में ऐसे कई स्थान हैं जो अपने दामन में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। ऐसी ही एक जगह वृंदावन में स्थित निधि वन है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ आज भी हर रात श्री कृष्णा जी राधा के साथ रास रचाते हैं। यही कारण है कि सुबह खुलने वाले निधि वन को संध्या आरती के बाद बंद कर दिया जाता है। उसके बाद वहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहाँ तक के निधि वन में दिन में रहने वाले पशु पक्षी भी संध्या होते ही निधि वन को छोड़कर चले जाते हैं। वैसे तो शाम होते ही निधि वन बंद कर दिया जाता है और सब लोग यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई छुपकर रास लीला देखने की कोशिश करता है तो वह पागल हो जाता है। ऐसा ही एक वाक्या करीब 10 साल पहले हुआ था, जब जयपुर से आया एक भक्त रास लीला देखने के लिए निधि वन में छुपकर बैठ गया। जब सुबह निधि वन का गेट खुला तो वह बेहोशी की हालत में मिला। उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका था। ऐसे ही कई किस्से यहाँ के लोग बताया करते हैं। ऐसे ही एक और भक्त थे जिन्हें पागल बाबा कहा जाता था। उनकी समाधि भी निधि वन में बनी हुई है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी एक बार निधि वन में छुपकर रासलीला देखने की कोशिश की थी, जिससे कि वो पागल हो गए थे। क्योंकि वे कृष्ण जी के खास भक्त थे, इसलिए उनकी मौत के बाद मंदिर कमेटी ने निधि वन में ही उनकी समाधि बनवा दी। निधि वन के अंदर रंग महल भी है, जिसके बारे में माना जाता है कि यहाँ रोज रात के समय राधा और कन्हैया आते हैं। रंग महल में राधा और कन्हैया के लिए रखे गए चंदन की पलंग को शाम को 7 बजे से पहले सजा दिया जाता है। पलंग के बगल में एक लोटा पानी, राधा जी के श्रृंगार का सामान और दातुन के साथ पान रख दिया जाता है। सुबह 5 बजे जब रंग महल का पट खुलता है तो बिस्तर अस्त व्यस्त, लोटे का पानी खाली, दातुन इस्तेमाल किया हुआ और पान खाया हुआ मिलता है। रंग महल में भक्त केवल श्रृंगार का सामान ही चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में उन्हें भी श्रृंगार का सामान मिलता है। निधि वन के पेड़ भी अपने आप में रहस्य हैं। जहाँ हर पेड़ की शाखाएं ऊपर की ओर बढ़ती हैं, वहीं निधि वन के पेड़ों की शाखाएं नीचे की ओर बढ़ती हैं। हालात ये हैं कि रास्ता बनाने के लिए इन पेड़ों को डंडों के सहारे रोका गया है। निधि वन की एक और खासियत यहाँ के तुलसी के पेड़ हैं। निधि वन में तुलसी का हर पेड़ जोड़े में है। इसके पीछे ये मान्यता है कि जब राधा संग श्री कृष्णा वन में रास रचाते हैं, तब यही जोड़ेदार पेड़ गोपियां बन जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है तो सब दोबारा तुलसी के पेड़ में बदल जाते हैं। साथ ही एक और मान्यता ये भी है कि इस वन में लगे तुलसी की कोई भी एक डंडी तक नहीं ले जा सकता है। कहा जाता है कि जो लोग भी उन डंडियों को तोड़कर ले गए, वह किसी न किसी हादसे का शिकार हो गए, इसलिए इन्हें कोई नहीं छूता। यहाँ तक कि इस वन के आसपास बने मकानों में खिड़कियाँ भी नहीं है। यहाँ के निवासी बताते हैं कि शाम को 7 बजे के बाद कोई भी इस वन की तरफ नहीं देखता, और जिन लोगों ने देखने का प्रयास किया या तो वे अंधे हो गए या फिर उनके ऊपर कोई मुसीबत आ गई। जिन मकानों में खिड़कियाँ हैं भी, उनके घर के लोग शाम के 7 बजते ही खिड़कियाँ बंद कर देते हैं। कुछ लोगों ने अपनी खिड़कियों को ईंटों से भी बंद करा दिया है। निधि वन में ही वंशी चोर राधा रानी का भी मंदिर है। यहाँ के साधु बताते हैं कि जब राधा रानी को लगने लगा कि कन्हैया हर समय बांसुरी ही बजाते रहते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो उन्होंने उनकी बांसुरी चुरा ली। इस मंदिर में श्री कृष्ण जी के सबसे प्यारे गोपी ललिता जी की भी मूर्ति राधा जी के साथ मौजूद है।
निधि वन में स्थित विशाखा कुंड के बारे में कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण सखियों के साथ रास रचा रहे थे, तभी एक सखी विशाखा को प्यास लगने लगी। कोई व्यवस्था न देखकर श्री कृष्ण जी ने अपनी बांसुरी से इस कुंड की खुदाई कर दी, जिसमें से निकलते हुए पानी को पीकर विशाखा सखी ने अपनी प्यास बुझाई और इस कुंड का नाम तभी से विशाखा कुंड पड़ गया। दोस्तों, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारी वेबसाइट mysteriousnightsindia.blogspot.com पर विजिट भी कर सकते हैं। आप अपने विचार हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। हम जल्द ही आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।